सात दिवस गए माता बहनों ने, भाइयों ने, पिता तल बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, देवता विराजते हो वो तो वास्तव में स्वर्ग के समान धाम हो जाता है, वो पावन धाम बन जाता है, जहाँ स्वयं राधा रानी जी, ठाकुर जी, बांके बिहारी, भगवान शंकर जी, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी महाराज, माता सरस्वती दुर्गा जी विराजमान हैं। भक्तों बड़ा इस परिवार ने स्नेह दिया तो हमारे और अखिलेश यादव और ददुआ जी बड़ा बड़ी मेहनत के साथ और बड़े प्रेम और स्नेह के साथ यहाँ हम सभी लोगों से उन्होंने बर्ताव किया और बड़ी मेहनत करते हैं। वो भी बेचारे कथा में भी समय देते हैं, दुकान पर भी रहते हैं। मैं व्यासपीठ की तरफ से उनका भी वंदन अभिनंदन करूंगा। हमारे सतन भैया के सभी रिश्तेदारों का भी वंदन अभिनंदन है जो अपना कीमती समय निकाल करके इस धर्म अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं। माता बहनों इनके समस्त परिवार ने बड़ा प्रेम दिया। कितने लोगों के नाम गिनाऊं? माता बहनों सभी लोगों ने बड़ा स्नेह प्रेम दिया। माता बहनों ने भी हमारे सतन भैया, जतन भैया की धर्म पत्नी और बहने सभी बेटियों ने समय समय पर माताओं तुमको फटकार सुनाई। आप लोग कीर्तन नहीं बोला करती थी, पति की सेवा पे, सास ससुर की सेवा पे आप लोगों पर कटाक्ष करता था। बुराई मत मानना, सास ससुर सच्चे देवता होते हैं, पति परमेश्वर होता है, याद रखना, ध्यान रखना। माता बहनों सास ससुर में दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का, और दूसरा भगवान विष्णु का। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, माता पिताजी हम आपका निर्माण करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी और पालन करता है विष्णु जी। भगवान शिव जी संहार करता है, माता पिता अपने पुत्र का संहार नहीं करते हैं, केवल पालन पोषण करते हैं। विष्णु जी का रूप भी माता पिता में होता है, सास ससुर में होता है, ब्रह्मा जी का भी रूप होता है। समय समय पर माताओं तुमको फटकार सुनाई, और चले जाए तो मत कहियो तेरा मैं भक्तों जो लीन पिया कराई।
हमारे आचार्य जी वेद मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ को संपन्न कराते रहे, बड़े सुचारू रूप से आप लोगों को प्रवचन भी सुनाते रहे, आप लोगों के हित की बात करते रहे, आप लोगों को सच्चा ज्ञान देते रहे कि माताओं बहनों भाई बंधुओं को यज्ञ की आहुतियों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा सदमार्ग पर चलाने का प्रयास किया, कोशिश की, जो हमारे आचार्य जी ग्राम आसेपुर एटा के निवासी हैं और हमारा प्रिय शिष्य अनोज श्याम सुंदर ये फरुखाबाद का है, एटा का निवासी है, करीमपुर गांव पड़ता है नंगला खरा श्याम सुंदर जी का, और हमारे प्रिय कुलदीप जी जो हमारे ग्राम से ही हैं, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं, पारिवारिक मामला है, और हमारा प्रिय शिष्य सोनू तूफानी बड़ा सुंदर चिमटा बजाता है, और हमारा प्रिय रमेश बाबू ये भी दिल का बहुत करीब है, और माता बहनों बड़े भ्राता रिंकू यादव जी जो पास में बैठे हैं, साउंड पर मधुर आवाज आप लोगों के बीच में पहुंचाई हमारे बाल कृष्ण जी और सचिन जी, और आप लोगों के यहाँ जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है हमारे रमाकांत भाई जी के द्वारा, ये मुकेश शास्त्री लाइव और देव वीडियो HD इन चैनलों पर आएगी, मुकेश शास्त्री लाइव पर, जो मुकेश शास्त्री लाइव आ चुकी है, जो वीडियो काफी आ भी चुकी है और हर एक रोज की वीडियो आएंगी, वास्तव में हमारे रमाकांत भाई जी ने मेहनत के द्वारा आप लोगों को रिकॉर्ड किया है कैमरे में, जो मुकेश शास्त्री लाइव और देव वीडियो HD। तो कथाएं बंद रही, लेकिन 1 जनवरी से 8 जुलाई तक एक दिन का भी गैप नहीं है, केवल ये 2 दिन होली पे मिल रहे हैं, केवल 2 दिन होली पर मिल रहे हैं, उसके बाद कोई समय 8 जुलाई तक नहीं है, 1 जनवरी से लेकर के 8 जुलाई तक लगातार प्रोग्राम है, और बड़ा प्रेम इसलिए दिया माताएं बहनों ने भाई बंधुओं ने, हम बखान नहीं कर सकते, और सचिन भैया जितिन भैया ये तो दोनों बड़ी भोली मूर्तियां हैं, और हमारे जितिन भैया को तो साधु मान लो, बड़े अच्छे विचार हैं, और हमारे लाला जी का दिल बड़ा हमेशा ही प्रफुल्लित रहता है, जिस दिन से हम लोग आए बड़ी मेहनत की बड़ी सेवा की, हमारे प्रिय जो अमित जी वो भी हमारी सेवा में लगे रहे, इनका पूरा परिवार, हमारे मास्टर साहब इनके बेटा, इनका पूरा परिवार, और सुभाष भैया जिंदगी अगर कायम है तो मुकेश ग्राम पोतेरा में दोबारा फिर लेंगे। Let's go.
भाई अपना भाई समझ के, माताएं और पिता तो बुजुर्ग अपना बेटा समझ के माफ करें। और आप लोगों ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया, जो यहाँ दिन में भी समय दिया, रात्रि में भी भरपूर आप लोगों ने समय दिया। मैं व्यासपीठ की तरफ से सभी ग्राम पहुंचा के बुजुर्गों से, माताओं से, भाई बंधुओं से, बहनों से, हमेशा ही यही परमपिता परमात्मा से यही प्रेम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमेशा ही भक्तों की कृपा करना, भक्तों के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बरसाते रहना, हमेशा इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहेंगे, यही प्रभु से कामना है। हमारे लाला भैया सत्यन उर्फ लाला जी के जीवन में भी मंगलमय घड़ियां खेलती रहे, हमेशा दान धर्म के प्रति इनकी आस्था यूं ही बढ़ती रहे, परमपिता परमात्मा इनके पूरे परिवार को प्रसन्न रखें।